उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए गैंगरेप मामले में सीबीआई की टीम बुलगड़ी गांव में मौके वारदात पर पहुंची। क्राइम सीन की जांच के लिए विक्टिम के भाई को भी वहां से ले जाया गया। आपको बता दें कि सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद देर रात पीड़ित परिवार हाथरस पहुंचा। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आज यानी मंगलवार को सीबीआई की टीम सुबह सीधा बुलगड़ी गांव में मौके वारदात पर पहुंची। क्राइम सीन की जांच के लिए विक्टिम के भाई को भी वहां ले जाया गया। वहीं इस बीच पीड़ित परिवार सोमवार रात लखनऊ से हाथरस लौटाया। घर पहुंचते ही मीडिया कर्मियों ने परिवार को घेर लिया। पीड़ित के पिता ने बातचीत में बताया कि हाईकोर्ट में सब इंग्लिश में बात कर रहे थे, कुछ ज्यादा समझ नहीं आया, लेकिन इतना जरूर समझ आया कि डीएम साहब को डांट पड़ी है। परिवार ने एक बार फिर साफ तौर पर कहा कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा बिटिया की अस्थियां विसर्जित नहीं करेंगे। उधर एसडीएम अंजलि गंगवार ने बताया कि परिवार को हाईकोर्ट ले जाने के लिए हमने गाड़ियों में सुबह बिस्किट, चिप्स और पानी पर्याप्त मात्रा में रख लिए थे, जिसकी वजह से हमें रास्ते में रुकने की जरूरत नहीं पड़ी। जब हम लखनऊ पहुंचे तो उत्तराखंड भवन में परिवार को लंच भी करवाया। इसके बाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद हम हाथरस के लिए निकले। हमने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर सदस्य के साथ एक सिपाही लगाया था। एकॉट और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी भी शामिल थे। गौरतलब है कि हाथरस में 14 सितंबर को चार लोगों ने कथित रूप से 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप किया था। यह भी आरोप है कि उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी और जीभ भी काट दी थी। दिल्ली में इलाज के दौरान 29 सितंबर को पीड़िता की मौत हो गई। चारों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। हालांकि पुलिस का दावा है कि दुष्कर्म नहीं हुआ है। वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हमारी कोई समझ में नहीं आया। कितनी देर सुनवाई चली? सुनवाई करीब चली करीब 8 घंटा 5 घंटा करीब। आप सब लोगों ने बोला था, 5 लोगों ने? हाँ, हम लोगों ने सब ने बोला। क्या आपको लगता है कि कोर्ट ने हाथरस प्रशासन की गलती को माना है? हाँ, मानो तो डीएम इस पूरे मामले में अधिकारियों को फटकार लगाई थी। मालूम है चुका हम तो। क्या डीएम को फटकार लगाई थी इस मामले में? हाँ लगाई। क्या कहा था? अब ये वो इंग्लिश में बात कर रही है। सभी गाड़ियों में बिस्किट, चिप्स, पानी वगैरह सब रखवा दिया था और यहाँ से जब गए थे तो उत्तराखंड भवन में को लंच भी करवाया गया था। उसी के बाद गए थे तो पूरी उनकी उसका पूरा ध्यान रखा गया था, कंफर्ट का, परिवार की सुरक्षा का और उनके कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा गया। मैं बोला बता दीजिए, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं हुई परिवार को, कोई शिकायत तो नहीं मिली? हमने देखा किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं हुई सुबह, इसीलिए पानी, बिस्किट, चिप्स सभी रखवा दिया गया था और वहाँ पर भी उनके खाने का और उनके कंफर्ट का पूरा ध्यान। कहाँ पे कोई डॉक्टर टेस्ट भी किया गया? हाँ जी, वहाँ पर डॉक्टर भी की गई इन लोगों की? हाँ जी, अदालत में उपस्थित होने से पहले कोई कोविड टेस्ट वगैरह? वो जो बेसिक सारी चीजें हैं वो सारे प्रोटोकॉल सब फॉलो। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets lie hai Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.